हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब बाकी कर दिए। अब आप हमें बताइए किसकी करनी है सर्वे। FAR 2B3 सर्वे यही है ना, यही करनी है। वो मैं चेक कर दिए, स्टार्ट हो गया, बाकी सारी स्टार्ट कर दी है। ये अब इस समय जो टाइम के सर्वाइव वाली है FAR 2B3 सर्वाइव ये करनी है ना। FAR 2B3 सर्वाइव ये ले, चल ये हो गई। ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है। उमर उधर कॉल कर रहे हैं। उमर क्या यार, ऐसा कॉल ही नहीं चुक रहा है। ओ इसका तो माई गांव था है। माइक ऑफ कर दीजिएगा। ओके जी। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हम कर रहे थे क्वेश्चंस। अच्छा टेस्ट के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन आज करनी थी मैंने। क्या पोजीशन रही टेस्ट की? जी स्टूडेंट्स, ITA बैच 2। सर टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर। जो ओपनिंग बैलेंस था सर क्वेश्चन के अंदर, सर इस तरह के हमने ना कुछ क्वेश्चंस किए थे पास पेपर्स पे ना, जिसमें सर हम लोगों ने जो स्पेसिफिक अलाउंसेस थे वो अकाउंट रिसीवेबल से माइनस किए बगैर जो उसने मेंशन किए हुए थे उसको एज इट इज हम लोगों ने उसमें ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पे लिया था। लेकिन सर इसके सोल्यूशन में जो था वो ये था कि मतलब हमने पहले उसको माइनस करना है और फिर जो पीछे अकाउंट रिसीवेबल आएंगे उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करनी है। तो सर वो हो जरा गया। बताते हैं कि डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं फिर। ओके, पहली बात तो यह है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मुझे क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। उस क्वेश्चन में कोई और मसला होगा, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि ओपनिंग यानी स्पेसिफिक अलाउंस लेस किए बगैर आप अलाउंस का बैलेंस निकाल लें। ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप मुझे दिखा दें ताकि मैं देख सकूं कौन सा आप क्वेश्चन क्या है। आप मुझे अगर सेंड कर दें तो मैं सर आपको मैं बता आपको सकता क्वेश्चन हूँ। रेफर कर देता हूँ, 2 मिनट मुझे। जी आप मुझे रेफर कर दें या मुझे वो व्हाट्सएप में डाल दें, मैं अभी देख के अभी जवाब दे देता हूँ। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा स्पेसिफिक अलाउंस का बैलेंस पहले लेस करना होता है। लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आती है उसका आप जनरल अलाउंस क्रिएट करते हो और फिर स्पेसिफिक अलाउंस उसमें ऐड करते हो। ये एक ही प्रिंसिपल है और कोई नहीं है। हाँ अगर और स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ वो एक अलग बात है, वो तो फिर वैसे ही ले लेंगे ना, स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आप मुझे रेफर करेंगे क्वेश्चन, तो आई वुड बी एबल टू आंसर यू क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन चैप्टर नंबर सर। चैप्टर प्रैक्टिस बुक क्वेश्चन का जी सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 है, जी, रावी इंटरप्राइजेस। मैं अभी ओपन कर देता रावी एंटरप्राइजेस। जी, अब देखें ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये ओपनिंग अलाउंस अगर आप गौर से देखें, ये डेटर्स नहीं हुए, इसमें से स्पेसिफिक पहले लेस किया हुआ है, जो रिमेनिंग अमाउंट आ रही उस पे जनरल अलाउंस हुआ हुआ, अब भी ये भी ऐसे ही हुआ हुआ।
आपका क्वेश्चन क्या, आप बताइए। ओके सर, सर वो डिफरेंस मुझे आइडिया हो गया सर उसके अंदर। इस बेसिकली उसने वो जनरल पे अलाउंस क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, वो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था। हाँ, असल में उसने ये अमाउंट दे दी हुई है ना कैलकुलेट करके, यही वर्किंग हमने खुद की है असल में। इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था ना, यही वर्किंग जो उसने की हुई है ना, ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमें खुद बनानी पड़ी है, बस इतना फर्क है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि रूल एक ही होता है, और वो क्या होता है, ये देखिएगा सामने ही, आप देख सकते हैं, डेटर्स लेते हैं, डेटर्स में से आप जो ओपनिंग प्रोविजन है उसके बैलेंसेस लेस करते हैं, ये बैलेंस है, ठीक है। लेस करने के बाद अब रिमेनिंग जो अमाउंट आएगी ना, 200 -8 -6, उसका आप 5% लोगे और वो 9.10 बनेगा, तो ये नेट रिसीवेबल है। तो अब अगर मुझे अपने अलाउंस का बैलेंस क्या है, तो ये तीनों को प्लस कर दें तो ये अलाउंस का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब टेस्ट पे कोई और चीज पूछनी हो आप लोगों ने? ओपन करूं टेस्ट? सर, और स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहे। प्रेजेंटेशन पे भी एक दफ़ा काइंडली आप लोग फोकस कर लें। लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट हो, अभी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, फिर आगे जाके आपको इजी होगा। आप उस स्टूडेंट्स का हाईलाइट कर दीजिएगा जिनकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, ताकि उसको ठीक जी किया सर, जा सके। सर ये ठीक जिनके नंबर्स जो है ना कम है, ये सारे इसी तरह ही हैं। जिनके हाई है मार्क्स, उनकी परफेक्ट थी, सब कुछ सही था। तो जिनके अच्छा जी, मार्क्स ठीक कम है, मैंने उनके मार्क्स काटे हैं इस चीज़ के लिए भी। तो है, जिनके नंबर सही है। कम है, तो फिर मैंने उनको एक दफ़ा ये दोबारा भी बता दिया आपके सामने ही कि प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं, ताकि वो इस पर भी फोकस करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ से जो हमारी अकाउंटिंग है ना, वो मेन अकाउंटिंग है, यानी जो पेपर एग्जामिनेबल पार्ट है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे मार्क्स हैं, अब मुझे नहीं पता इसमें कौन से बैच 2 के और कौन से बैच 6 के हैं। अलविना है, कोई बैच 2 में 6 में है? सर जो 7 फाइल है ना, उसके आगे वो बैच अलग हुए हुए हैं, उनके मार्क्स लगे हुए हैं, वो देख लें। ये तो अच्छा, वो बैच 2। एनालिसिस, हाँ जी, वो बैच 2 और बैच 6 सेपरेट आगे। अब इसमें जो मार्क्स हैं वो, अब मोहम्मद वाइज अजहर इसके माशाल्लाह अच्छे हैं, समन सादिया के अच्छे हैं मार्क्स, शहनूर ताहिर इनके अच्छे हैं, ठीक है। 29 स्टूडेंट थे और 12 अपीयर हुए हैं, जिसमें 9 पास हुए हैं, 3 फेल हुए हैं। फेल कौन कौन हुआ जी? एक तो अफकारुल हक, एक सिकंदर, ठीक चले, एनीवे मैंने देख लिया। अच्छा, टेस्ट में ओपन करता हूँ, जरा देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन करना हो इसमें तो कर ले। टेस्ट 3 ऑफ ITA, दिस वन। MCQs की क्या पोजीशन थी जी आप लोगों की? MCQs हो गए थे, MCQs इजी थे। इजी थे, ठीक है। और इसमें भी अब ये क्वेश्चन है, इसमें या तो मैंने आपको सोल्यूशन मिल गया, यस सर, सोल्यूशन मिल गया हाँ, तो एक दफा सोल्यूशन देख लें, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें, उसमें सर। ये किया एक जा मेरा एक और सकता। क्वेश्चन है जी, सर, इसके सोल्यूशन पे आप आइएगा जरा, अलाउंस के जो लेजर है उसके। मैं 1 मिनट ओपन करता हूँ, साथ ही है इसका सोल्यूशन भी जी, ये आ गया। ओके सर, सर इसके अंदर जो रिसीवेबल निहाद के, सर यहाँ पे आपने 2 हेड्स बनाए हुए हैं। सर मैंने अपने सोल्यूशन में एक ही हेड बनाया हुआ है 69,600 का, सर वो भी ठीक होता है या हाँ दो हाँ वो भी दोनों? ठीक होता है जी, बिल्कुल। बल्कि अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में इकट्ठा ही किया था ना, यस सर, हाँ, तो ये अलग भी लिख सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। ये असल में मैंने अलग इसलिए किया कि क्योंकि सोल्यूशन बनाया ना, ताकि आप यस अंडरस्टैंड कर सकें ना कि इतनी अमाउंट जो है वो प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट हो रही है, जो रिमेनिंग प्रोविजन है, जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है, वो बैड डेट एक्सपेंस के अगेंस्ट क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक यस सर, है। थैंक ये यू सर। अमाउंट निहाद में से माइनस होगी, यानी अकाउंट रिसीवेबल में से, ये बैड डेट में से, बस इसलिए मैंने 2 हिस्से छोड़, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। चले जी, चले देख लीजिएगा एक दफा फिर भी, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जरा ये क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स आज हमने करना था, आई थिंक सिक्स। अच्छा आप जरा देखिएगा, मैं यहीं से तरतीब से चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, फिर आगे जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक आधा क्वेश्चन हम पहले कर लें, उसके बाद फिर मैं उधर आता हूँ। अच्छा अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें, नेहा इंटरनेशनल, ये सिंपल आपने PRS बनानी है, इसमें कोई फ्रॉड कंसर्न नहीं है, ठीक है, PRS बनानी है आपने। अच्छा अब इसमें डाटा क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। अगर आप देखें तो आपको जो कैश बुक है ये देखिएगा, ये जून की गिवन है, और बैंक स्टेटमेंट भी जून की गिवन है। इससे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वो जून और जुलाई था, यानी नेक्स्ट मंथ था, ये सेम मंथ का है, ये प्रॉपर बैंक रिकंसिलिएशन। और पिछली बैंक रिकंसिलिएशन जो है मई के मंथ की भी दी हुई है, यानी इससे पिछले महीने में ये आपका स्टेटस था। वो कहता है BRS बना दो, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, अब पहले टिकिंग करनी है आपने। अच्छा अब वहां पर जब टिकिंग की थी तो क्या रिजल्ट आया था, यहाँ टिकिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसकी डिस्कशन टिकिंग के बाद होगी। पहले टिक लगाइएगा, मैं इसकी डेबिट साइड लेता हूँ तो ये पहले ओपनिंग बैलेंस है, इग्नोर इट, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं टिक लगाना ना। अब ये आसम पैकेजिंग 15,000 डेबिट है, और यहाँ पर ये आसम पैकेजिंग 15,000 क्रेडिट है, इसको हाईलाइट करते जाते हैं, यानी ये टिक हो गई मेरी अमाउंट। अच्छा उसके बाद डीन एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो ये 18,000, और यहाँ पर भी डीन एक्सपोर्ट 18,000। देखो ये जो टिक होते जा रहे हैं, चूंकि सेम मंथ में है, इसका मतलब ये चेक आपने डिपॉजिट करवाए थे और ये क्लियर हो गए हैं, ये सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। समर बैंक स्टेटमेंट्स में डीन इंपोर्ट्स है, डीन इंपोर्ट्स, हाँ वो टाइपिंग एरर है, वो एक ही है, वो टाइपिंग एरर, वो एक्सपोर्ट लिखना तो इंपोर्ट लिखा गया, या यहाँ इंपोर्ट लिखना था, एनी हो ये ठीक है, टैली है। अच्छा उसके बाद समर इंटरनेशनल देखिएगा, 19,500 ये आ रहा है सर, आ रहा है जी बिल्कुल, ये लास्ट में ना, तो ये भी टिक हो गया, यानी इसका मतलब ये भी चेक हमने जमा करवाया था, ये बैंक ने क्रेडिट कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 16,500 चना एक्सपोर्ट्स, ये नहीं आ रहा। अच्छा अब ये जो चेक नहीं आ रहा, ये 16,500 का दिस वन, इसको रेड कलर में कर रहा हूं, दिस चेक इज नोन एज अनक्रेडिटेड चेक, ठीक है, क्योंकि ये सेम मंथ है। यहां जो टिक लगा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में जो टिक लगे थे वो अनक्रेडिटेड थे, यहां जो टिक नहीं लग रहे, नहीं हो रहे, वो अनक्रेडिटेड है। रीजन कि आप सेम मंथ की भी बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी उसी मंथ की है और कैश बुक भी उसी मंथ की है, इसका मतलब जो टिक हो रहे हैं वो बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि ये वो चेक्स हैं जो आपने डिपॉजिट करवाए थे और बैंक में क्रेडिट हो चुके हैं। सिर्फ एक चेक ऐसा है 16,500 का जो क्रेडिट नहीं हुआ, इसको मैं अनक्रेडिटेड कहूंगा। तो ये पहली चीज आ गई मेरे पास, अगर मैं इसमें से डाटा निकालता जाऊँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, ये हमारा 5 6 है, 6 है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 में पहली चीज जो हमारे पास आई है वो है अनक्रेडिटेड चेक्स, और ये चेक है चना का, चना एक्सपोर्ट, और अमाउंट कितनी है जिसकी 16,500। ये पहले हमें डाटा अलहदा करना पड़ेगा, वो जो क्वेश्चन दिया होता है यहाँ हम खुद बना रहे हैं डाटा, ओके। इसी तरह कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आए, देखिए कैश बुक की जो क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है, पेमेंट। अब जरा देखते जाते हैं जो पेमेंट होगी, यकीनी बात है ये 12,000 की पेमेंट आपकी बैंक बुक में डेबिट साइड पे आनी चाहिए, जो आ रही है समी इंपोर्ट्स दिस वन। उसके बाद ये 30,000 नहीं आ रहा, देन 7,500 ये भी नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब ये दो चेक जो है वो मेरे अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए, यानी ये चेक हमने इशू किए हैं बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये दो लिख लेते हैं हम अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये तो नंबर वन हमारा आया था, नंबर टू अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स में एक रूही एक्सपोर्ट है और इसकी अमाउंट है 30,000, और सेकंड है हमारे पास हिना इंपोर्ट्स, और ये है हमारे पास 7,500।
अभी सिर्फ मैंने कैश बुक देख रहा हूँ, राइट, सिर्फ कैश बुक। अब बैंक स्टेटमेंट में आने से पहले आपने करना क्या है, नीचे बीआरएस दी हुई है। अब बीआरएस में कुछ अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स दिए हुए, देखना ये है कि ये जो अनप्रेजेंटेड चेक थे ये प्रेजेंट हुए या नहीं। यकीनी बात है ये पिछले महीने आपने चेक इशू किए थे, अगर ये प्रेजेंट होंगे तो जून की बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होंगे, तो जरा देखेंगे ये। चूंकि हमने कई दफा पढ़ा है ये लफ्ज़ कि जो अनप्रेजेंटेड चेक है वो पेमेंट चेक होते हैं, और पेमेंट चेक जो है वो किस साइट पर आते हैं, बैंक स्टेटमेंट की। ये बैंक स्टेटमेंट देखिएगा डेबिट कहाँ आ साइड रही, जी डेबिट साइड पे, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से कौन से चेक डेबिट साइड पे आ रहे हैं। क्या 7500 का चेक आ रहा है? नो। 6000 का चेक? नो। और 9000 का? यस। और नाम भी देखिएगा, बीटा और बीटा, यानी इसका मतलब ये भी चेक प्रेजेंट हो गया, ये 9000 का चेक भी प्रेजेंट हो गया। अब इसमें भी दो चेक ऐसे आ रहे हैं जो मे के हैं और अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, इसको भी लिस्ट में लाओ, जेपी 7500, ये तीसरा चेक हो गया अनप्रेजेंटेड। उसके बाद फ्लैश 6000, ये चौथा चेक हो गया अनप्रेजेंटेड। अब ये चार अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद अब बैंक स्टेटमेंट अभी नीचे भी है ना, इसमें नीचे वाला हिस्सा भी देख रहे हैं, ये जो अनक्रेडिटेड थे ये क्रेडिट हुए या नहीं। ये 15000 जो क्रेडिट अगर हो गए होंगे तो बैंक इसको क्रेडिट करेगा ना, क्लियर हो गए, तो 15000 सुमन। अब ये 15000 सुमन ये नजर आ रहा है मुझे, दिस वन, इसका मतलब ये क्रेडिट हो गया। इसी तरह 3000 कमाल, इसको ऊपर देख लेते हैं शायद ऊपर, यस, ये 3000 कमाल, ये चेक भी प्रेजेंट हो चुका है। अब इट मींस अनक्रेडिटेड चेक और कोई नहीं है, जो हमने लिए थे बस वही। अब बैंक स्टेटमेंट में आते हैं, अनटिक आइटम देखें बैंक स्टेटमेंट की कैसी है। जो बैंक ने चार्जेस काटे हैं हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो ये नंबर थ्री लिखते हैं हम, बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 3000 Not recorded in cash book या not in cash book, मुख्तसर लिख रहे थे, यानी ये cash book में हमने record नहीं किए। इसी तरह debit side पे देखें, ये 75, ये तो 82000 जो है ना, ये तो opening balance, इसको छोड़ दो, ये 75000, ये 75000 क्या है, profit on COI, COI होता है certificate of investment, यानी हमें ये profit में bank ने credit किया, हमने cash book में record नहीं किया। नंबर फोर, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सीओआई, सीओआई प्रॉफिट सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे 75000 का, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये सबसे पहला काम हमने कर लिया। अब बीआरएस जब शुरू करेंगे तो उसी तरीके से दो हिस्से बनाएंगे, रिवाइज्ड कैश बुक अब मुझे कैश बुक का बैलेंस चाहिए। मैं कैश बुक की तरफ आता हूं, देख के बताइएगा कौन सा बैलेंस लो, आपके सामने है। जी स्टूडेंट्स, ये कैश बुक है। अब बीआरएस बनाने लगा हूं तो बताइए कि इस पे कौन सा बैलेंस लूं। दो ही बैलेंस ले सकता हूं, या 78000 का या 97500 का। 97500 क्यों? क्योंकि आप क्लोजिंग बना रहे हो ना, हमेशा होती है बीआरएस क्लोजिंग है 30 जून की, तो 30 जून का बैलेंस यही है 97500, और चूंकि प्लस में आ रहा है तो हमने पढ़ा है कि ये फेवरेबल बैलेंस है। और कैश बुक का फेवरेबल किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे। तो ये बैलेंस बीडी हो गया 97500। अच्छा, अब देखें, मैंने जितनी रीजन थी वो ऊपर लिख दी हुई है, हम इसी को फॉलो करेंगे। अब इसमें से ये पहली दो रीजन जो है ये तो नॉन एडजस्टेड है, ये पीआरएस से रिलेट करती हैं, और आखिरी दो जो है ये कैश बुक से रिलेट कर, रिवाइज्ड कैश बुक से।
अब देखिए बैंक चार्जेस 3000 के आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो अब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो किस साइड पे लाऊं? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे। तो यहां बैंक चार्जेस लिख देता हूं और बैंक चार्जेस हैं 3000। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑन इन्वेस्टमेंट में मुझे प्रॉफिट मिला है 75,000 का, ये किस साइड पे लिखूं? कैश बुक पे, डेबिट, डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन COI 75,000। ठीक है, अब इसको और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं, इसको प्लस कर लें तो ये बन जाएगा जी आपका 172,500, और इसमें से 172,500 लेस कर दो तो 3000 लेस किया, तो जो आंसर आया रिवाइज कैश बुक का वो 169,500, विच इज बैलेंस कैरी डाउन। अब ये बैलेंस बीआरएस का जो बैलेंस आएगा उससे टैली होगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब बीआरएस में मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस चाहिए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मुझे बताइएगा, ये आपके सामने है बैंक स्टेटमेंट, तो कौन सा बोल बैलेंस लूं, 82,500 या 204,000? 204,000, क्योंकि ये भी 30 जून का ही लेना है आपने। अच्छा, अब ये जो बैलेंस आ रहा है ये अगेन फेवरेबल है, और फेवरेबल बैलेंस जैसे मैंने बताया था इसको प्लस में लिखेंगे 204,500, और वैसे भी ये क्रेडिट होता है। अच्छा, अब आइएगा ये दो चेक्स जो बी आर एस में अनक्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड चेक्स हमारे रिसीट चेक हैं, जैसे कल भी मैंने बताया था, और रिसीट चेक जो है वो हमारे प्लस में आएंगे, ये 16,500 प्लस में लिखूंगा, खुद ही प्लस माइनस करेगा, आपने नहीं करा, अगर ये माइनस होता तो ये माइनस हो जाता, इसको प्लस में लिख रहे हैं। और अनप्रेजेंटेड चेक्स चार हैं, अब मैं यहाँ लिस्ट नहीं बना रहा, जगह कम है, वैसे नॉर्मली लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट मैंने यहाँ बनाई हुई है, इसको टोटल कर लो, ये 15,000, 45,000, तो 45 में से अगर 6,000 लेस कर दूँ, ऐड कर लूँ, 51,000, तो ये 51,000 के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, और अनप्रेजेंटेड चेक्स पेमेंट के चेक्स होते हैं, इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। अब इसको प्लस माइनस कीजिएगा, देखें ये आंसर सेम आना चाहिए। चेक कीजिएगा बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक 169,500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह का अगर आ जाए तो इजी होता है, और अभी जो रिसेंट जिसका ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह का दोबारा भी दे सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन जो है ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसमें बेसिकली फ्रॉड का आंसर आ रहा है, कि हमने एक क्वेश्चन फ्रॉड का किया भी था, यहाँ पर बड़ा घुमा रहा है क्वेश्चन, जरा पहले क्वेश्चन पढ़ लें। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेस्कटॉप प्रोडक्ट शोड अ कैश बैलेंस ऑफ 29,959, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो मेरा कैश बैलेंस आ रहा है वो ये है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, which included deposit in transit। ये जो deposit in transit है ये नया वर्ड आ गया आपका, बताइए क्या होता है अगर मैं इस आपसे पूछूं कि ये uncredited है या unpresented है, तो आप क्या कहोगे? Uncredited, uncredited, वजह uncredited कहते किसको है as per definition, ऐसा चेक जो आपने बैंक में डिपॉजिट तो करवा दी है लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो ट्रांजिट में है। ठीक है, तो इसलिए इसने वर्ड चेंज कर दिया, यहां पर डिपॉजिट इन ट्रांजिट का वर्ड लिखा है। ओके, ये जो अमाउंट आ रही है ये अनक्रेडिटेड अमाउंट कहलाएगी। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट फॉर द जुलाई शोड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 18,299.40, ये जो बैलेंस आ रहा है ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, अगेन इसके साथ कुछ नहीं लिखा, डेबिट है या क्रेडिट, तो क्या लू इसको, फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल, फेवरेबल। आगे लिखते हैं इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट वर फॉलोइंग डेबिट एंड क्रेडिट एडवाइसेस,
डेबिट एडवाइसेस, ये जो डेबिट एडवाइसेस है ना, यानी बैंक ने डेबिट किया है, इसका मतलब ये होता है बैंक ने डेबिट किया है हमारे लिए, ये पेमेंट है। जिसमें पहला लिख रहा है चेक फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिटेड बाय डेस्कटॉप ऑर्डर पर रिटर्न बैक एज NSF। NSF का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट फंड्स। ये सात सात टर्मिनोलॉजीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो यूज करते हैं, और पेपर में भी इसी तरह देते हैं NSF। लेकिन बहरहाल परेशान नहीं होना, क्योंकि ऐसी टर्म आ जाए जो आपने नहीं पढ़ी तो आप इसको छोड़ के ये वर्डिंग से अंदाजा लगा लो। जैसे ये देखो, मैं लिखता हूँ चेक फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिटेड बाय डेस्कटॉप बट रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब डिसऑनर हो गया। तो जब आपने चेक रिसीव किया था, डेबिट किया था, अब मैं इसको क्रेडिट करूँ। और वैसे भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये डेबिट एडवाइस है, बैंक ने डेबिट किया हम क्रेडिट करें, ठीक है। इसी तरह बैंक चार्जेस हैं, ये बैंक ने डेबिट किए हैं हम क्रेडिट कर देंगे, हमारे लिए पेमेंट है। फिर ये क्रेडिट एडवाइस है, प्रोसीड फ्रॉम कलेक्शन ऑफ नॉट रिसीवेबल व्हिच डेस्कटॉप प्रोडक्ट हैड लेफ्ट विद द बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट। यानी बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट को हमने दिया था कि हमारे बिहाफ पर ये रकम जमा, आप कलेक्ट कर लेना, और उसने कलेक्ट कर ली तो बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया, हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर ये आउटस्टैंडिंग चेक्स आ रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, जब वर्ड आउटस्टैंडिंग आ जाए तो बताइएगा अनप्रेजेंटेड होंगे अनक्रेडिटेड। सर अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड, ये चार चेक हमारे अनप्रेजेंटेड। उसके बाद कैशियर ऑफ द डेस्कटॉप प्रोडक्ट्स हैज बीन एब्स्ट्रैक्टिंग पोर्शन ऑफ कंपनीज कैश रिसीट फॉर सेवरल मंथ्स। ईच मंथ ही प्रिपेयर्ड द कंपनीज बैंक रिकंसिलिएशन इन अ मैनर दैट कंसील्ड हिज थेफ्ट। द बैंक रिकंसिलिएशन फॉर जुलाई इज एज अंडर। यानी हर महीने वो BRS बनाता है और टैली कर देता है और दिखाता है जी कि ये कैश बुक का बैलेंस है, ये बैंक स्टेटमेंट का, और टैली है। यानी वो ये शो करता है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं। अब ये BRS बनी हुई है इसकी, अभी नहीं इसको पढ़ना आपने, आगे चलिए नीचे। फिर उसने ये ऊपर वाला हिस्सा जो बनाया हुआ, ये बैंक स्टेटमेंट वाला है, और नीचे वाला वो जो एडजस्टेड कैश बुक है। और देखें ये बिल्कुल सही बैलेंस लिया है, और 25434 पर आया, ये भी बिल्कुल ठीक बैलेंस लिया है, और 24434 पर आया, इसने टैली कर दी BRS। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, नंबर वन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश शॉर्टेज व्हिच हैज बीन कंसील्ड बाय द कैशियर इन हिज बैंक रिकंसिलिएशन। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, एक BRS बनी बनाई है आपने, प्लीज इस BRS को टोटली इग्नोर कर, इसको नहीं देखना, क्योंकि उसमें तो उसने फ्रॉड किया हुआ है। हाँ, अलबत्ता एक चीज देखनी है, ये लाइन मेरी बड़े ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जो BRS उसने दी हुई है उसमें जो जो इंफॉर्मेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन मुझे सेपरेटली दी हुई है या नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो जो इंफॉर्मेशन, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा कि उसने प्लस सही किया या नहीं किया, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये एडजस्टमेंट्स की, ये वर्ड्स पढ़ रहा हूँ। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, क्या डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऊपर कहीं दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है, इग्नोर इट, यानी इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ये जो कैश इन ट्रांजिट आ रहा है इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, इस डिपॉजिट इन ट्रांजिट को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन ऊपर जो दिया वो ठीक है। कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, जी बिल्कुल, ये इलाहदा इंफॉर्मेशन दी हुई है। आउटस्टैंडिंग चेक्स, मैंने चेक नहीं देखने, यहाँ लगे यहाँ चार हैं यहाँ तीन हैं, छोड़ दें इस बात को। आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या ऊपर दिए हुए हैं? यस दिए हुए। अब नीचे आइएगा, इसका मतलब है कि BRS में सारी चीजें वो हैं जो अलहदा हमें गिवन है। इसके बाद क्रेडिट एडवाइस 3000, ये क्रेडिट एडवाइस बिल्कुल है ऊपर इंफॉर्मेशन में। डेबिट एडवाइसेस जो दो हैं ये भी ऊपर इंफॉर्मेशन है। सो इट मींस कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने कैशियर ने BRS में लिए हैं वो हमें सेपरेटली गिवन है, ये याद रखना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिले मुझे, फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है ना, ये दिया हुआ है यार, इसने BRS में दिया हुआ है, लेकिन ऊपर हमें नहीं दिया हुआ, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, वैसे तो गिवन है, अज्यूम कर रहा हूँ ये गिवन नहीं है, तो फिर इस डिपॉजिट इन ट्रांजिट को आप ठीक ट्रीट करोगे, यही वाली अमाउंट आप भी BRS में लो। अब बात समझ आ गई, मैं फिर इस लाइन को बोलूंगा, आपने चेक क्या करना है, आपने चेक ये करना है, कि ऑल आइटम्स, आइटम्स का वर्ड मैंने यूज किया ना, मैंने अमाउंट का वर्ड यूज किया ना, मैंने प्लस ट्रीटमेंट का वर्ड यूज किया, ऑल आइटम्स given in
BRS are separately given in question ये आपने चेक करना है कि जितनी आइटम बीआरएस में दी हुई है क्या वो सेपरेट क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा चेक भी हो जाएगा। अब मैं लिखता हूं इफ गिवन इग्नोर वैल्यू ऑफ बीआरएस वैल्यू गिवन इन बीआरएस। अगर वो सेपरेटली गिवन है तो जो बीआरएस में अमाउंट दी हुई है उसको छोड़ दो। If not given, अगर वो सेपरेटली गिवन नहीं है कोई भी एक इंफॉर्मेशन देन कंसिडर दिस वैल्यू एज करेक्ट फ्रॉम बीआरएस। ठीक है ये दो चीजें लिखी हैं। प्लीज ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। तो लिहाजा अब क्वेश्चन में आते हैं। तो ये तो डिसाइड हो गया जो जो चीज मुझे यहाँ गिवन है वो सेपरेटली गिवन है तो मैं इस सारे को समझ लिया इग्नोर कर दिया मैंने इसको क्रॉस लगा दिया। अब सिर्फ बी आर एस आपने दोबारा से खुद बना लिया और सारी इंफॉर्मेशन आपको ये दी हुई है नीचे जाना ही नहीं। जी जी आवाज नहीं आई आपकी पूरी। सर ये आउटस्टैंडिंग चेक्स में चेक नंबर 556 तो नीचे नहीं लिखा है। जी जी तो मैंने कब कहा है मैंने दो तीन मर्तबा ये वर्ड यूज किया है और यहाँ लिखते हुए भी किया है। प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिएगा दोबारा। मैंने आइटम्स का वर्ड यूज किया और उसके साथ क्लियरली बोला है मैंने ये नहीं देखना कि अमाउंट ठीक है या गलत है। मैंने ये नहीं देखना कि उसके अंदर ट्रीटमेंट ठीक किया हुआ है या गलत किया हुआ यानी प्लस करना था या माइनस करना। मैं आइटम्स की बात कर रहा हूँ। आइटम्स का मतलब क्या है यहाँ इसने आउटस्टैंडिंग चेक लिए हुए हैं और ये सेपरेटली दिए हुए हैं बस ठीक है इसको इग्नोर कर रहा हूँ। आप समझ आई बात? यस सर। ठीक है वो तो यकीनी बात है उसने बीआरएस टैली की है फ्रॉड की है तो किसी ना कोई चेक छोड़ेगा या कोई अमाउंट चेंज करेगा ताकि टैली हो जाए इसलिए तो हम पहली चीज ये चेक करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब जब मैं बीआरएस स्टार्ट करता हूँ सारा डाटा यहाँ से लेकर ना यहाँ तक मुझे दिया इससे नीचे कोई डाटा नहीं है वो तो हमारा डिसाइड हो गया इसको छोड़ दें। लेट्स स्टार्ट अप बीआरएस बनाते हैं। तो सबसे पहले आप उसी तरह रिवाइज्ड कैश बुक बना लें इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर है 7 रिवाइज्ड कैश बुक। अच्छा अब रिवाइज कैश बुक में आपने कैश बुक का पहले बैलेंस उठाना है। कैश बुक का बैलेंस है 29959 और ये कुछ नहीं लिखा हुआ तो फेवरेबल बैलेंस होगा और फेवरेबल बैलेंस किस साइड पे आएगा डेबिट साइड पे 29959 और इसको 0.00 में इसलिए कर रहा हूँ कि ये दो डेसिमल तक दिया हुआ आगे ना ये जैसे 0.40 भी आ रहा है कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। अब मुझे एडजस्टेबल आइटम लेनी है। देखो ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट नॉन एडजस्टेबल है आउटस्टैंडिंग चेक नॉन एडजस्टेबल है तो एडजस्टेबल तो सिर्फ यही हुई तीन चीजें। अब एक तो डिसऑनर चेक है एनएसएफ डिसऑनर चेक और ये डिसऑनर चेक बैंक ने डेबिट किया तो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है और ये डेटर लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि डेटर से चेक मिला था आपने डिपॉजिट करवा दिया लेकिन वो डिसऑनर हो गया और ये अमाउंट है 1500 उसके बाद नेक्स्ट बैंक चार्जेस 25 ये भी क्रेडिट साइड पे आएंगे। उसके बाद क्रेडिट एडवाइस है कि आपने कलेक्ट किया बैंक ने 3000 कलेक्ट किया हमारे बिहाफ पर तो ये हमारी रसीट है और रसीट डेबिट साइड पे आएगी नॉट रिसीवेबल ये लीजिएगा। ये रिवाइज कैश बुक बन गई यही तीन चीजें आनी थी इसको टोटल करें
ये आएगा 32,959, यही टोटल मैं यहां लिखता हूँ 32,959। अब इसमें से 1525 लेस कीजिएगा, क्या आता है? जी 31,434। स्टेटमेंट अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस चाहिए 18,299.40। अगेन ये फेवरेबल बैलेंस है, तो मैं यहां लिखता हूं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट which is 18,299.40। अच्छा अब देखिएगा, ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है 3,420.6। डिपॉजिट इन ट्रांजिट हमारा डिपॉजिट है, रिसीट कंसिडर होती है, और बैंक में रिसीट जो है वो प्लस में आएगी, डिपॉजिट इन ट्रांजिट यानी क्रेडिट होगी, तो ये प्लस लिखूंगा, प्लस में 3,420.60। अब इसको पहले ऐड कर लें, 21,000 कितना आएगा जी, इस 21,720 चेक कर लीजिएगा बैलेंस, ठीक है। उसके बाद अनप्रेजेंटेड यानी आउटस्टैंडिंग चेक जो है, ये पेमेंट चेक्स होते हैं, इसको आप लेस करोगे, और आउटस्टैंडिंग चेक्स का टोटल गिवन है, मैं एक एक अमाउंट इसको टोटल कर लें, क्योंकि बजाय एक एक अमाउंट लिखने के, इसका टोटल आएगा 340.3 प्लस 800.5 प्लस 145.2 प्लस 2100 3,386। ये 3,386 ये माइनस होगा माइनस 21,720 18,334 18,334, और ये आ रहा है बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक, और फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट हुआ। अब ये दोनों बैलेंस आपस में टैली नहीं कर रहे, और यकीनन टैली करेंगे भी नहीं, क्योंकि फ्रॉड का क्वेश्चन है। इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 13,100 है, यानी इसका जो डिफरेंस है, अब वही डिफॉल्केशन स्टेटमेंट आप बना लोगे, मैं सिर्फ डिफरेंस अमाउंट लिख रहा हूँ, डिफरेंस अमाउंट जो आ रही है वो 13,100। इसका मतलब है कि उसने 13,100 का जो है वो फ्रॉड कमिट किया, ठीक है, वो उसने फ्रॉड किया। अब इससे आगे चलिएगा नेक्स्ट में, इसका सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन एक ही दफा पेपर में आया हुआ है, दोबारा रिपीट नहीं हुआ। केयरफुली रिव्यू द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट and prepare a statement to show the shortage was, how the shortage was concealed. Yani ab aapne question ye kar raha hai ki ye BRS jo usne banayi hai na cashier ne, isko gaur se dekho aur dekho ki usne ye amount conceal kaise ki hai, yani kaise usne chori ki hai. To ye ab main statement bana raha hu, ek amount nikalunga ki usne kahan se defalcation ki hai, of defalcation. जरा चेक करते जाते हैं, देखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 18,199 हमने भी यही लिया है, यानी इसका मतलब इसने उसने भी वही लिया जो आना चाहिए,
फिर उसने डिपॉजिट इन ट्रांजिट को टोटल प्लस किया है, ऐड किया हुआ है डिपॉजिट इन ट्रांजिट को, हमने भी डिपॉजिट इन ट्रांजिट को ऐड किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमने डिपॉजिट इन ट्रांजिट लिया 3420.60 और उसने लिया 4320.60, यानी 900 रुपीज की अमाउंट उसने ओवरस्टेट कर दी। मैं यहाँ लिखूंगा डिपॉजिट इन ट्रांजिट ओवरस्टेटेड, ये उसके पॉइंट से लिखना है कि उसने फ्रॉड किया ना, जानबूझ के किया, डिपॉजिट इन ट्रांजिट ओवरस्टेटेड 900, ये पहली अमाउंट आ गई। ये जितनी अमाउंट लिखूंगा ना एंड पे टोटल करूंगा ये इस अमाउंट के इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा दूसरा ये है कि बैंक रिकंसिलेशन में उसने ये 3000 एक्स्ट्रा ले लिया, ये आना ही नहीं चाहिए, ये तो एडजस्टेबल आइटम है, ये बीआरएस में तो आती नहीं है, तो लिहाजा आप लिखिएगा कलेक्शन ऑफ नॉट रिसीवेबल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बीआरएस, यानी कैशियर ने जानबूझ के गलती गलत जो है वो वहां पर लिख दी, और ये कितनी अमाउंट है 3000। अब देखो 3900 डिफरेंस आ चुका है, क्लियर हो चुका, आगे चलिए। अब इसके बाद यहीं पे रुकना नहीं है, इसको टोटल भी करें, 7320.60 ठीक है, उसने टोटल ठीक किया हुआ है। अब इसमें से ये टोटल प्लस करो, उसने ऐड किया हुआ, आप प्लस करके देख लो कितना बनता है, 18299.4 प्लस 7320.6, ये बनता है 25620, उसने लिखा है 26620, यानी उसने ये भी फ्रॉड में छुपाने के लिए उसने टोटल भी गलत किया, यानी टोटल इन बीआरएस कलेक्शन ओवरस्टेटेड, इन बीआरएस कलेक्शन ओवरस्टेटेड, और ये ओवरस्टेट उसने किया 1000 से। सो एक एक चीज चेक कर ले। अब आगे बढ़िएगा, आगे उसे आउटस्टैंडिंग चेक्स लिए हुए हैं। अब जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि वहां तो 4 है और यहाँ 3 है, बिल्कुल ये भी उसने फ्रॉड किया है। अब जरा आउटस्टैंडिंग चेक देखो, 340.3, 340.3, 800.5, 800.5, 145.2, यस, एक चेक अनप्रेजेंटेड जो है आउटस्टैंडिंग उसने शो नहीं किया, ठीक है, वो लिखिएगा, वन आउटस्टैंडिंग चेक नॉट शोन, और ये कितनी अमाउंट का है जो उसने शो नहीं किया, 2100 का, ये उसने फ्रॉड किया यहाँ पर छुपाने के लिए, यानी ये फ्रॉड छुपाने के लिए एंट्रीज कर रहा है, छुपा रहा है। अच्छा अब उसके बाद जो जितने भी उसने आउटस्टैंडिंग चेक लिया इसका भी टोटल करके देखो, 340.3, 800.5, 145.2, इसका टोटल आता है 1286, और उसने लिखा 1186, यानी उसने पेमेंट को 100 रुपीज से कम लिखा है। टोटल इन बीआरएस पेमेंट, पेमेंट साइड जो होती है वो अंडरस्टेट किया हुआ, और अंडरस्टेट किया हुआ है 100 रुपीज से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब इस टोटल को भी चेक कर लो, 26620 माइनस 1186, 25434, ये उसने सही किया हुआ। अब आइएगा नीचे कैश बुक वाले पोर्शन में, यहाँ पर भी तो उसने छुपाया होगा कुछ ना कुछ। ओके लेट्स स्टार्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 29,97,959 की अमाउंट ली है, ये देखिएगा 29,959 जो कि ठीक है। उसके बाद क्रेडिट एडवाइस इसने प्लस की है, तो यानी डेबिट की है, ये भी ठीक है। जब इसको प्लस करेंगे तो 29 और 3 32 होता है, उसने 26 लिखा हुआ, यानी इसने लिखा ऐड है कर माइनस रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस इन रिवाइज कैश बुक और रिवाइज कैश बुक में कितना डिफरेंस अराइज हुआ, 6000। अब अगर इसको टोटल करके देखें कि 13100 हो गया, तो इसके बाद आगे जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, 900 प्लस 3000 प्लस 1000 प्लस 2100 प्लस 100 प्लस 6000, अब इसको प्लस करें तो एग्जैक्टली ये 13100 आ गया, यानी इसका मतलब इसके बाद अगर मैं चेक भी करूं तो उसने ठीक किया होगा, वो भी बेशक करके देखें।
अब इसके बाद ये उसने 1500 माइनस किया हुआ यानी क्रेडिट किया हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट ही होना चाहिए था। 25 क्रेडिट हुआ हुआ है, ये भी सही है। अब इन दोनों को प्लस कर दें 1525, ये भी ठीक है, और इसमें से ये अमाउंट माइनस कर दें 26595 माइनस 1525 25434, यानी आगे उसने सारा ठीक किया। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है बीआरएस में फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। मेथड एक ही मैंने लगाया, अगर आप गौर से देखें मेथड में कोई फर्क नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8, ये कल किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि क्लास में डिस्कस कर लें, तो अगेन हमारे पास टाइम 6 मिनट से भी कम है, क्योंकि अभी ये खत्म हो जाती है वो, तो ये इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप मीनवाइल आसान क्वेश्चन कर लें, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, लिखिएगा होमवर्क लिख लीजिएगा। ये 8 छोड़ दें, अगर मुश्किल लग रहा है छोड़ दें, कोई बात नहीं, मैं खुद करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 इजीली हो जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और प्लीज ये जो होमवर्क दिया ना, ये संडे तक आपने मुझसे डिस्कस भी कर लेना है इसके आंसर्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 10 सरफराज, ये भी हो जाएगा आपसे। देन जी, ये भी हो जाएगा ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि सैटरडे संडे है, दो दिन है, तो दो दिन में कोई क्वेश्चन ज्यादा देने करने पड़ेंगे ना आपको। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा आपसे इंशाल्लाह। चार काफी है, और दे दूं? काफी है सर, बस करिए, काफी है। एक क्वेश्चन और लिख लो यार, अब मेरी तरफ से भी ले लो, ये तो आपकी मर्जी का था ना। क्वेश्चन नंबर 15, ये 5 क्वेश्चन है, और देखो ये बड़े आराम से हो जाएंगे, एक अभी कर लो, दो कल कर लो, दो परसों कर लो, तो 5 हो गए, और आज असाइनमेंट भी भेज दी आप लोगों ने, ठीक हो गया जी। मैम अटेंडेंस का देख लें जरा आप, मैं अगली क्लास है तो मैं, जी जी सर ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ जी सर। जी स्टूडेंट्स, अटेंडर्स अगर बोल दें आप लोग अभी, ठीक है, जब तक ये मीटिंग चल रही है।